नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होते जा रही है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे दमखम से लगे हुए हैं और जनता के पास जाकर वोटों की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नौखा प्रखंड में छठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है, जिसका मतदान जो है 3 नवंबर को होना है, उसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि दमखम से लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में नौखा प्रखंड के उत्तरी बराव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के बड़े भाई की पत्नी पुष्पा देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद कुमार गुप्ता से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के नौखा प्रखंड की, तो यहां छठे चरण में मतदान 3 नवंबर को होना है। हालांकि जो है यहां के प्रत्याशियों को जो है चुनाव चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह होता है, मिल चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जो लोगों के बीच उतरकर अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रमोद कुमार गुप्ता, पुष्पा देवी जो हैं यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं बराव उत्तरी पंचायत से, और यहाँ पर प्रमोद गुप्ता जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दूसरे बार जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और क्या कुछ एजेंडा रहेगा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रमोद जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं अपने पहले तो अपने उत्तरी बराव पंचायत के सभी ग्रामीण जनता को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत एवं प्रणाम करता हूँ। मैं अपने पंचायत में होने के लिए पहले तो मैं अपने यहाँ के मरघट घेराबंदी का कार्य कराना बहुत ज़रूरी है और हमारे स्कूल में शिक्षा पर भी ज़रूरी है, हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर के कमी है, हमारे बाहा एगो मेन यहाँ के बाहा है उसको PCC करा कर उसको बनवाना है और यही काम हम लोग आगे बढ़ाते हुए करने के विचार विमर्श कर रहे हैं। पीछे बात करें बीते 5 वर्षों की कार्यकाल की, तो आपने प्रतिनिधित्व किया और प्रतिनिधित्व किया तो किस तरीके का आपका कार्यकाल रहा बताने का प्रयास करेंगे आप? हम लोग अपने यहाँ से PCC हरेक गांव में, हरेक अपने पंचायत में PCC 80% करा चुके हैं और नली गली का काम भी हो चुका है और करहा का भी काम हो चुका है और हम लोग शौचालय बनवाने का भी काम किए हैं और विधवा पेंशन भी कराए हैं और बूढ़ा पेंशन भी कराए हैं। यही सब हम लोग अपने पंचायत में अपने तरफ से भागदारी निभाए हैं। एक सवाल, राशन कार्ड भी हम लोग बनवाने का काम किए हैं। जी, एक सवाल करें तो कई युवा यहाँ पर जो है नारे लगा रहे हैं आपके समर्थन में, तो क्या अपेक्षा है युवाओं को आपसे? युवाओं से मुझे पूरा भरोसा है, हम युवाओं के साथ रहते हैं जी, शिक्षा में उनको, खेल कूद में भी हम भाग निभाते हैं। आपने शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही कि विद्यालय में सरकारी विद्यालय की बात कर लेते हैं, आज अमूमन क्या होता है कि सरकारी विद्यालय में जो है आधुनिक शिक्षा की कमी है, ऐसे में जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से कई जो संपन्न लोग होते हैं अपने बच्चों को जो है सरकारी विद्यालय के बजाय प्राइवेट विद्यालय में भेजने लगे हैं और वहाँ पर आधुनिक शिक्षा मिल जाती है, लेकिन ऐसे में पंचायत क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा से बच्चों जो है महरूम है, इसको लेकर क्या आप सोच रखते हैं? इसके लिए हम सोच रखे हैं कि वो जिसको पढ़ने में उसको दिक्कत है, प्राइवेट में जाने में उसको सक्षम नहीं है, वो सरकारी स्कूल में जाएं जी और अच्छी व्यवस्था उनको कराया जाएगा जी। अब बात कर लेते हैं किसानों की, क्योंकि रोहतास जिला है धान का टुकड़ा कहा जाता है, ऐसे में हर खेत तक पानी पहुँचने के लिए कड़ाहे की खुदाई जरूरत है, ऐसे में मनरेगा के तहत किस तरीके से आपने कार्य किया? मनरेगा के तरफ से हम लोग बहुत अच्छे काम किए हैं, हरेक गांव में करा के खुदाई का काम किए हैं और बहुत अच्छे ढंग से किए हैं जी, ये देखने योग्य है और जनता देख रही है। एक सवाल आपसे लेंगे कि पंचायत से जो अमूमन दूरी होती है, प्रखंड की दूर होती है और ऐसे में कई लोगों को जाने में दिक्कतें होती है, जिसके बनिस्पत पड़ते जो है यहाँ के जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने कल्पना की कि गांव के जो सामुदायिक भवन होंगे, पंचायत सरकार भवन होंगे, वहां पर जो है RTPS काउंटर खोले जाएंगे ताकि वहीं पर जो वृद्धा पेंशन हो, आवास योजना हो,
अन्य कोई भी योजनाओं को लेकर या विद्यार्थी हो अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, ऐसे में आप यदि आपकी ये पुष्पा देवी घर की बहू हैं जीत जाती हैं तो आरटीपीएस काउंटर की कल्पना करेंगे आप? जी सर, हमारा यहाँ पर सब कागज़ पत्र दिया चुका है सरकार भवन बनाने के लिए, उसका जगह भी आवंटित हो गया है जी। उस सब व्यवस्था हम लोग सरकार कुछ देरी हो गई है नहीं तो वो तो आ जाता, हम लोग सब व्यवस्था करा दिए। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं मुखिया जी? हम लोग का पंचायत में कुल 15 वार्ड है। 15 वार्ड की अगर बात कर लें तो कुल 15 वार्ड में जिस तरीके से आपने सात निशे की बात की, ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है मुख्यमंत्री की नल जल योजना, क्या सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, हमारे पंचायत में 6 नल जल का काम पूर्ण रूप से हो चुका है और अच्छी तरह से चल रहा है। जी जी जी, आगे फिर से क्या अपील करना चाहते हैं आप जनता से? जनता से अपील यही करना चाहते हैं, हमारी पिछले 2 वर्षों से हमारा देश के अंदर जो है ग्रसित की हुई है, ऐसे में मजदूरों का पलायन पंचायत क्षेत्र में जारी रहा जी। आपके क्षेत्र में पंचायत क्षेत्र में मजदूर जब आए तो उन लोगों को जिस तरीके से आपने व्यवस्था किया, हम उन लोग को जिसको नहीं रहता था हम लोग राशन फ्री में मिलता था, डीलर भी जाके राशन दिवाने के काम करते थे जी। अपने से भी सहयोग करते थे और यही हम लोग अपने तरफ से सहयोग किए हैं। अब दूसरी बार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पुष्पा देवी चुनावी मैदान में, आपके बड़े भाई की पत्नी हैं, भार्या हैं, तो इस बार आप जनता के बीच किन किन मुद्दों पर जा रहे हैं? हम लोग आपकी मुद्दा है हम लोग का विकास का, और विकास किए हैं उसी का मुद्दा है, विकास को लेकर मुद्दा है। हाँ जी, सभी जगह पंचायत में आदर्श पंचायत बनाने की बातें कही जा रही है, क्या अपने पंचायत में जनता के द्वारा यदि आपको जीत सुनिश्चित करा दी जाती है, पुष्पा देवी जीत जाती हैं, तो क्या आदर्श पंचायत बनाने की कल्पना करेंगे आप? हाँ, इस पर तो मेरा बहुत ध्यान है, आपकी उत्तरी बराव पंचायत को आदर्श पंचायत बनवाने का पूरा अपने तरफ से सहयोग करेंगे जी। अब जनता से क्या अपील रहेगा बताना चाहेंगे? जनता से अपील रहेगा कि मुझे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए, भारी मतों से जी। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि कई युवा जो है आपके आसपास अगल बगल खड़े हैं और कई बुजुर्ग हैं जो कि आपके समर्थन में खड़े हैं। पुष्पा देवी जिंदाबाद, 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 पुष्पा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्पा देवी चुनावी मैदान में हैं जी जी, 3 नवंबर को मतदान होने हैं, ऐसे में बात करें प्रमोद गुप्ता जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी जी, कैसा रहा कार्यकाल इनका? प्रमोद कुमार गुप्ता जी जैसा अभी हमको लग रहा है कि 15 साल 20 साल जब से मेरा होश हुआ तब तक से इनके जैसा कार्यक्रम करने वाला कोई पंचायत का मुखिया नहीं बना। आप युवा है, युवा के तौर पर क्या सोच सकते हैं? युवा के तौर पर सोच रहे हैं कि युवा के तरफ इतना ही विकास कर रहे हैं कि हर कुछ गली नली जो होता है सब विकास किए हैं, लड़का का खेल कूद होता है, कोई कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेते हैं, और हम मुखिया जी को बहुत काफ़ी समर्थन करते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार जनता फिर दोबारा इतिहास बनाएगी? हाँ, हाँ, जरूर जरूर बनाएगी, इन साल भी पुष्पा देवी चुनाव जीतेंगे यहाँ से, और फिर से जो मुखिया जी का छूटा हुआ कार्यक्रम है। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? इनका कौन द्वारा चुनाव चिन्ह? नाम बताएंगे अपना? हाँ, मेरा नाम पप्पू यादव पड़ेगा। प्रमोद गुप्ता जी चुनावी मैदान में अपनी घर की बहू पुष्पा देवी को उतार चुके हैं, बीते 5 वर्षों की बात कर ले तो कैसा कार्यकाल रहा और क्या अपेक्षा है इनसे? बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। हाँ, अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या अपेक्षा है इनसे? इनसे बहुत अपेक्षा है, विकास विकास करेंगे। हाँ, करेंगे, बहुत सही आदमी है, सही आदमी है। हाँ, तो इस बार की अगर बात कर ले तो आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का समर्थन है इनके प्रति? हाँ, समर्थन है। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहते? जनता से एकदम अच्छा अपील करना चाहते हैं। हाँ, जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नारद मुनि बाबा है, और प्रमोद गुप्ता जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैसा कार्यकाल रहा पिछले 5 वर्षों की बात करें तो? इनका तो कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि 70 वर्ष की व्यवस्था में जब से पंचायती राज चला है उतने दिनों से आज तक मैंने कभी देखा नहीं जैसा कि आज पुष्पा देवी के हाथ से हुआ है। तो इस बार अपेक्षा है कि विकास करेंगे? जी, हमें तो बहुत बहुत बड़ा विश्वास है कि इनका जीत निश्चित है। नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम हृदयानंद साहू जी। मतदान यहाँ पर होने वाला है, ऐसे में दमखम
लगा चुके हैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खासकर उत्तरी बराओं की अगर बात करें पंचायत की, तो यहाँ जितने भी लोगों की जो हुजूम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सभी लोग इनके समर्थन में जुटे हुए हैं। 3 नवंबर को जिस तरीके से मतदान होगा उसमें जनता किस तरीके से दोबारा इनको फिर मैंडेट देती है, ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ डीटीवी भारत के लिए रोहतास के उत्तरी बराव से मैं अश्विनी पांडे।